द सम ऑफ टू नंबर्स इज एट इफ देयर सम इज फोर टाइम्स देयर डिफरेंस फाइंड द नंबर्स। तो अपने पास टू नंबर्स हैं, एक है फर्स्ट नंबर, इसमें लिख लेते हैं कि एक तो फर्स्ट नंबर है जिसको हम लोग मान लेंगे कि एक्स है, एक अपना सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर को हम लोग मान लेते हैं कि वाई है। तो इन दोनों नंबर्स का सम कितना है, एट है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू एट, ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। फिर आगे है इफ देयर सम इज फोर टाइम्स देयर डिफरेंस, यानी कि जो सम है, सम क्या था, एक्स प्लस वाई, जिसकी जगह हम लोग एट भी लिख सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर टाइम्स देयर डिफरेंस, तो फोर टाइम्स है डिफरेंस का, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, यदि हम एक्स को ग्रेटर मानते हैं तो एक्स माइनस वाई डिफरेंस होगा, और इसका फोर टाइम्स इक्वल होगा किसके, सम के। तो एक्स प्लस वाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट, ये फोर यहाँ से डायरेक्ट भी डिवाइड में हम लोग ला सकते हैं, क्योंकि x माइनस वाई के साथ इंटू में फोर है, तो फोर डायरेक्टली डिवाइड में आ गया, इधर क्या रह गया, x माइनस वाई। तो इसको डिवाइड करेंगे, फोर टू जाए एट इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो इसको x माइनस वाई इक्वल टू कितना लिख लेते हैं, टू। ये हो गई अपनी सेकेंड इक्वेशन। अब बात करते हैं कि आप लोग कहेंगे कि x को ही ग्रेटर कैसे मान सकते हैं, y को भी तो ग्रेटर मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सम क्या था, एट, या x प्लस वाई की जगह पे भी बाद में ऐड पुट करेंगे तो पहले ही कर लेते हैं एट। डिफरेंस क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स, यदि वाई ग्रेटर है तो वाई माइनस एक्स, और इसका फोर टाइम्स इक्वल है किसके, सम के। तो यहाँ से वही काम, एट अपॉन फोर, ये फोर डिवाइड में आएगा, यहाँ पे वाई माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि वाई ग्रेटर माना है हमने। तो फोर टू जाए एट, टू इक्वल टू वाई माइनस एक्स, यानी कि वाई माइनस एक्स इक्वल टू टू है। ये अपनी सेकेंड इक्वेशन, या तो ये वाली सेकेंड इक्वेशन होगी या ये हो जाएगी, दो केस हो जाएंगे डिफरेंस में, क्योंकि यदि एक्स ग्रेटर है तो ये वाली इक्वेशन बनेगी, वाई ग्रेटर है तो ये इक्वेशन। अब यहाँ से हम लोग या तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे या इन दोनों को, तो दोनों को ही करना है, तो कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू एट है, तो इसी के नीचे मैं लिख दूंगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू एट। दोनों इक्वेशंस को क्या करूंगा, प्लस करूंगा, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, टू एक्स माइनस वाई प्लस वाई, ये दोनों तो कट जाएंगे। एट और टू कितना हो गया, टेन, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन अपॉन टू। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई फाइव, एक्स कितना आ गया, फाइव, और एक्स की वैल्यू आने पर वाई की वैल्यू फाइंड कर ही लेंगे, फाइव आ गया, तो यहाँ एक्स की जगह कितना लिखेंगे, फाइव, और फाइव इधर जाएगा माइनस में, एट माइनस फाइव, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, थ्री। तो ये आ गया थ्री, क्योंकि फाइव और थ्री का सम ही कितना होगा, एट। इन दोनों इक्वेशंस की वजह से तो ये वाली वैल्यू आएगी। और बात करें इधर, y माइनस एक्स इक्वल टू टू है, तो इक्वेशन लिख देता हूँ इसी के नीचे, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, एट। दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो माइनस एक्स प्लस एक्स ये दोनों कटेंगे, y प्लस वाई कितना हो गया, टू वाई, एट और टू कितना आ जाएगा, टेन आ जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन अपॉन टू, तो y की वैल्यू है यहाँ पे फाइव। इस वाले में x की वैल्यू फाइव थी क्योंकि ग्रेटर नंबर हमने x माना, यहाँ पे y की वैल्यू फाइव आएगी क्योंकि ग्रेटर नंबर y माना है। इसी तरीके से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री, क्योंकि y की वैल्यू पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, जैसे यहाँ पे फाइव है, फाइव लिखा, और ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा, टू इधर आ जाएगा, तो फाइव माइनस टू कितना आ गया, थ्री। या इस इक्वेशन में पुट करें y की जगह फाइव, तो फाइव इधर माइनस हो जाएगा, एट माइनस फाइव कितना आ जाएगा, थ्री। तो इस तरीके से आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं कि यदि ग्रेटर कौन है, x ग्रेटर है तो डिफरेंस क्या होगा, x माइनस वाई, इस तरह से वैल्यू आएंगी फाइव और थ्री, और यदि y ग्रेटर है तो वैल्यूज आ जाएंगी फाइव और थ्री, वाई फाइव आएगा, एक्स थ्री आएगा, इसमें एक्स फाइव आया और वाई थ्री आ गया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।